गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? आपने लिए एक कांच का गोला। गोला का मतलब जैसे फुटबॉल गोल होती है, जो गेंद होती है वो भी गोल होती है। फुटबॉल गोला होती कि नहीं होती? गोला, आप फुग्गा फुलाते हो, गोल वाला गोला होता है, गोला गोला गोला। उसी प्रकार आपने क्या लिए? आपने लिए एक कांच का गोला। आपने एक क्या लिए? कांच का गोला लिए। अरे क्या लिए बेटा? आपने लिए कांच का एक गोला। और कांच का गोला जो है वो अंदर से खोखला है, मतलब कि अंदर कुछ नहीं है, वो सिर्फ कांच का एक गोला है। एक कांच का क्या है? गोला है, जो अंदर से पूरा खाली है। कांच का एक क्या लिए? आपने गोला लिए। कांच का एक आपने खोखला गोला लिए। अब उस कांच के खोखले गोले को आपने काट दिए और उसके टुकड़े कर दिए, तो आपको कांच का एक इतना सा टुकड़ा मिला, आपको ऐसे का टुकड़ा मिला। अब ऐसे का आपको टुकड़ा मिला, कांच का टुकड़ा, तो इसके एक भाग में आपने पॉलिश कर दिए। आपने एक भाग में पॉलिश कर दिए तो क्या होगा? इस तरफ अगर आपने पॉलिश करे हो तो इस तरफ से आप अपना चेहरा देख सकते हो, मतलब कि इस तरफ का भाग दर्पण बन जाता है ना। तो ये जो दर्पण है ये एक प्रकार के गोले का भाग है। ये जो दर्पण है, ये जो आईना जो बन करके आया है, ये एक प्रकार के गोले का भाग है, इसीलिए इसको गोलीय दर्पण कहते हैं। तो भैया आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को क्या बताने वाला हूं कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहा जाता है। कक्षा दसवीं की विज्ञान का, एनसीईआरटी की विज्ञान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में भी आता है, कंपटीशन एग्जाम्स से लेकर के हर एग्जाम, कक्षा दसवीं की विज्ञान का एग्जाम हर एग्जाम्स में, ए टू जेड एग्जाम्स में पूछा जाता है। कक्षा दसवीं वाले बच्चे के लिए बहुत, और हर बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को जानना। साइंस का विद्यार्थी है, अगर पढ़ने वाला विद्यार्थी और अनपढ़ भी है तो भी उसके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि भैया गोली दर्पण किसे कहते हैं। और टिप्पणी लिखी है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल गोली दर्पण क्या होता है। इसके साथ साथ दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, गोली दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, गोली दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहा जाता है, और साथ ही साथ दर्पण का द्वारक भी किसे कहा जाता है। मतलब कि आज के इस वीडियो में जो कक्षा दसवीं की विज्ञान का अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन वाला जो पाठ है, उसका जो टॉपिक है गोली दर्पण, आज का वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं कि गोली दर्पण की बिल्कुल बारीक से बारीक और बेसिक से बेसिक चीज़ें जो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये समझ में आएगा तो ही आपसे आगे की विज्ञान बन पाएगी, इसीलिए हाथ बांध करके और पूरे फोकस के साथ यहाँ पर समझना शुरू कर दीजिए। कि बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हम ये समझेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण, इसकी परिभाषा यहाँ पर आपकी, ऐसा दर्पण, दर्पण का मतलब होता है आईना जिस पर हम अपना चेहरा देखते हैं, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ किसको बोलते हैं। मान के चलो ये कांच का टुकड़ा हो गया और कांच के टुकड़े के इस वाले भाग में अगर हमने पॉलिश कर दिए, इस वाले भाग में अगर हमने पुताई कर दिए, तो इस वाले भाग में हमने पुताई कर दिए तो ये वाला जो भाग होगा यहाँ पर प्रकाश किरण आके टकराएगी और वापस लौट जाएगी, तो इस पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। क्लियर? मतलब कि जिस तरफ से हम अपना चेहरा देखते हैं उसको परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। ऐसा दर्पण मतलब कि ऐसा आईना जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है, मतलब कैसा होता है, गोल होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है, कैसा होता है, गोल होता है, कैसा होता है, गोल होता है, गोल गोल होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोली होता है मतलब गोल होता है, कैसा होता है, गोल होता है, गोलीय दर्पण गोली दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण ऐसा आईना जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है, मतलब कि घुमा हुआ होता है ना, इस टाइप का आईना होता है, कैसा होता है, गोल होता है, उसमें हमारा चेहरा बहुत बड़ा दिखेगा हम देखेंगे तो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है,
ना कैसा होता है, गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। और जो गोलीय दर्पण होते हैं, अब पेपर में कभी कभी क्वेश्चन जाएगा आपको कि भैया गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तल गोलीय दर्पण और दूसरा होता है अवतल गोलीय दर्पण। पेपर में अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तल गोली दर्पण किसे कहते हैं, या अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि अवतल गोली दर्पण किसे कहते हैं। सबसे पहले जानेंगे उत्तल गोली दर्पण। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है, उत्तल गोली दर्पण कहलाता है। यानी कि आपका ये जो गोली दर्पण है ना, ये जो आपका जो गोली दर्पण है, जो गोल वाला जो कांच का टुकड़ा है, अगर इसके अंदर वाले भाग में अगर आपने पॉलिश कर दिए, अंदर वाले भाग में अगर आपने पॉलिश कर दिए, तो क्या होगा? जो बाहर वाला भाग होगा ये परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, कहाँ होता है? बाहर की ओर वक्रित होता है, बाहर की ओर वक्रित होता है, तो उस गोली दर्पण को हम उत्तल गोली दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल गोली दर्पण कहते हैं। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, मतलब कि अंदर साइड हम पुताई करेंगे, अंदर साइड हम पेंट करेंगे, अंदर साइड हम पॉलिश करेंगे, तभी तो बाहर वाला जो पृष्ठ होगा वो परावर्तक पृष्ठ बनेगा। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर, ये बाहरी भाग होता है, बाहर की ओर वक्रित होता है, उसे उत्तल गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल गोलीय दर्पण कहते हैं। और दूसरा यहां पर हमारा है अवतल गोलीय दर्पण किसे कहा जाता है। तो वह गोलीय दर्पण आपने क्या करे, आपने कांच जो आपकी जो गोल वाली जो कांच है उसके अगर आपने बाहरी भाग में अगर आपने पॉलिश कर दिए, अगर आपने बाहर वाले भाग में पॉलिश कर दिए, तो अंदर वाला जो भाग होगा, अंदर वाला भाग इसका परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, कहाँ होता है? अंदर की ओर दबा हुआ होता है, कहाँ होता है? अंदर की ओर होता है, कहाँ होता है? अंदर की ओर होता है। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ है, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अंदर वाले भाग से परावर्तित, अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर। ये जो गोला, जिस गोले का ये जो भाग है, मतलब कि गोले का एक केंद्र, मतलब गोले के केंद्र की ओर इसका परावर्तक पृष्ठ होता है, मतलब इधर से प्रकाश किरण आएगी और टकरा करके वापस चली जाएगी। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है ना, अवतल गोली दर्पण कहलाता है। अवतल का मतलब होता है दबा हुआ, मतलब जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है उसको अवतल गोली दर्पण कहते हैं। और उत्तल का मतलब होता है उठा हुआ, उत्तल का मतलब होता है उठा हुआ, तो उत्तल का मतलब होता है उठा हुआ, मतलब वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ होता है उसको उत्तल गोली दर्पण कहते हैं। आप जो गाड़ी में जो आईने लगे होते हैं पीछे देखने के लिए, आईने साइड मिरर जो लगे होते हैं, उसको आप छीके देखना, वो हल्के से उठे हुए होते हैं। वो हल्के से कैसे होते हैं? उठे हुए होते हैं। तो गाड़ी के जो साइड मिरर होते हैं उसको हम उत्तल गोली दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम उत्तल गोली दर्पण कहते है ना। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन कवर हो गए, इसको आप इतना नोट कर लीजिए कि आप में और ये चित्र आप बना लीजिए। देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे कि गोली दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। गोली दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? पेपर में अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि गोली दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। गोली दर्पण का ध्रुव, तो उसकी परिभाषा है गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को गोली दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी कि आपका जो गोली दर्पण होता है, मान चलो कि ये हो गया एक कांच, होगी कांच, गोल वाली कांच हो गई, इसके इस बाहरी भाग में मैंने यहाँ पर पेंट कर दिया, इसके इस बाहरी भाग में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर पॉलिश कर दिया यहाँ पर मैंने पॉलिश। तो गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, इसका जो अंदर वाला जो भाग है ये परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। इस परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होता है, मतलब कि इस कांच का जो केंद्र होगा, इस दर्पण का जो केंद्र होगा, केंद्र मतलब बिल्कुल बीचम बीच का भाग, जो बिल्कुल जो सेंटर्ड पॉइंट होगा, इस बिल्कुल बीचम बीच वाले भाग को हम गोली दर्पण का ध्रुव बोलेंगे।
तो ये हो जाएगा आपका गोली दर्पण का ध्रुव, और उसको हम पी से निरूपित करते हैं। काय से निरूपित करते हैं, पी से निरूपित करते हैं, ये होता है गोली दर्पण का ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? गोली दर्पण का ध्रुव कहलाता है। गोली दर्पण के, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, इसका जो केंद्र होता है, जो बिल्कुल बीचम बीच वाला भाग होता है, केंद्र को गोली दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे अक्षर पी से निरूपित किया जाता है। इसे काय से निरूपित किया जाता है? इसे अक्षर पी से निरूपित किया जाता है। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को गोली दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे अक्षर पी से निरूपित किया जाता है। इसे अक्षर पी से निरूपित किया जाता है। इसे काय से निरूपित किया जाता है? अक्षर पी से निरूपित किया जाता है। अब यहां पर हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन आपका आता है पेपर में बन करके कि गोली दर्पण की वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। गोली दर्पण का वक्रता केंद्र किसे कहा जाता है? तो गोली दर्पण का वक्रता केंद्र, तो आप देख सकते हो गोली दर्पण का वक्रता केंद्र, देखिए गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, यह है परावर्तक पृष्ठ, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। ये जो परावर्तक पृष्ठ है, ये एक प्रकार के गोले का भाग है। ये ऐसा गोला रहा होगा, एक गोले का भाग है, इस प्रकार से गोला रहा होगा, है ना। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, एक गोले का भाग है। इस गोले के केंद्र को, इस गोले का जो केंद्र रहा होगा, इस गोले का जो क्या रहा होगा, केंद्र रहा होगा, इस गोले के केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको गोली दर्पण का क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से निरूपित किया जाता है। वक्रता केंद्र को सी से निरूपित किया जाता है। परिभाषा फिर से, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। किसका भाग है? गोले का भाग है। तो इस गोले के केंद्र को, इस गोले के केंद्र को, इस गोले का जो केंद्र है, इस गोले के केंद्र को इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहा जाता है। समझ में आया? इसको उतारना है कॉपी में, पूरा लिखना है, और चित्र में भी यहां पर आपको दर्शाना है। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ ये जिस गोले का भाग है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसे अक्षर सी से निरूपित किया जाता है। यो, अब हम बात करेंगे वक्रता त्रिज्या की। अब हम बात किसी करेंगे? वक्रता त्रिज्या की बात करेंगे कि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या किसे कहा जाता है। तो वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं? यहां पर हम ये देखेंगे, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, जो हमारा गोलीय दर्पण है, ये हो गया हमारा गोलीय दर्पण, ये हो गया हमारा गोलीय दर्पण। हमने यहां पर इसके बाहरी साइड में यहां पर हमने पॉलिश कर दिया। तो गोली दर्पण का ये परावर्तक पृष्ठ है, यहां पर अंदर से प्रकाश की किरण टकरा करके परावर्तित होती है। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ये वाला जो पृष्ठ होता है, उसको हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। एक बार देख लेता हूं, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, ये जिस गोले का भाग रहा होगा, जिस गोले का ये भाग रहा होगा, उस गोले की त्रिज्या को, और गोले की त्रिज्या किसको बोलते हैं? केंद्र से लेकर के परिधि तक की ये जो दूरी होती है, इस दूरी को, इस डिस्टेंस को हम त्रिज्या कहते हैं। तो गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, जिस गोले का भाग है, उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को, यहां पर ये इसकी त्रिज्या है, उस गोले की त्रिज्या को गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोली दर्पण की क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं।
गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ये जो दिख रहा है ना ये परावर्तक पृष्ठ, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को, त्रिज्या किसको बोलते हैं, केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, उस गोले की त्रिज्या को गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। यहां पर भी ये लिखा है गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ठीक, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, जिस गोले का ये भाग है उसकी त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और वक्रता त्रिज्या को कैसे प्रकट करते हैं, वक्रता त्रिज्या को अक्षर आर से निरूपित किया जाता है, जो वक्रता त्रिज्या होती है उसको अक्षर आर से निरूपित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या को कैसे प्रकट किया जाता है, वक्रता त्रिज्या को अक्षर आर से निरूपित किया जाता है, अक्षर आर से यहाँ पर वक्रता त्रिज्या को प्रकट किया जाता है। अब हम बात करेंगे मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। दो नंबर में पूछ सकता है क्वेश्चन कि गोली दर्पण का मुख्य अक्ष किसे कहा जाता है, समझाइए गोली दर्पण का मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा, गोली दर्पण का ध्रुव, ध्रुव किसको बोलते हैं, इस सेंटर पॉइंट को बोलते हैं हम ध्रुव, इसको पी से दर्शाते हैं। गोली दर्पण का ध्रुव, गोली दर्पण का ध्रुव और वक्रता त्रिज्या, ये हो गई हमारी वक्रता त्रिज्या। गोली दर्पण का ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा, गोली दर्पण का ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा, गोली दर्पण का ध्रुव, ये हो गया गोली दर्पण का ध्रुव, गोली दर्पण का ध्रुव और वक्रता त्रिज्या, ये हो गया वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा, गोली दर्पण का ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा, ये जो सीधी रेखा होती है ये रेखा गोली दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, इस रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। गोली दर्पण का ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को गोली दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव, गोली दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा, ये जो सीधी रेखा होती है सीधी रेखा गोली दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। गोली दर्पण का क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, इसे गोली दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, इसे गोली दर्पण का मुख्य अक्ष कहा जाता है। अब यहाँ पर हमारा अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है, आप लोग देखोगे यहाँ पर हमारा अगला कॉन्सेप्ट है भैया कि मुख्य फोकस किसे कहा जाता है। क्या बोला मैंने, मुख्य फोकस किसे कहा जाता है। अब मुख्य फोकस की बात करेंगे, मुख्य फोकस, ये भी आपको अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि गोली दर्पण के मुख्य फोकस पर टिप्पणी लिखे, गोली दर्पण के मुख्य फोकस पर टिप्पणी लिखे। मुख्य फोकस किसे कहते हैं, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, दर्पण ये है हमारा गोली दर्पण, ये क्या है हमारा गोली दर्पण है, ये है हमारा गोलीय दर्पण, ये है हमारा गोलीय दर्पण है, गोली दर्पण, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, इसका मुख्य अक्ष आपका ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, समांतर का मतलब ये होता है मुख्य अक्ष अगर ये है तो इसी के समांतर, समांतर मतलब इसी की ये सीध से है ना, कोई सूर्य की जो किरण है, कोई जो प्रकाश की जो किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर रेखा किसको बोलते हैं, ऐसी रेखा जिसको अनंत तक भी बढ़ाया जाए तो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, उन रेखाओं को हम समांतर रेखा कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, आपतित मतलब आने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, आपतित का मतलब होता है आने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। क्या बोला मैंने, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण टकराने के बाद जब परावर्तित होती है ना, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात, किसके पश्चात, टकराने के बाद जब परावर्तित होगी तो परावर्तन के पश्चात, किसके पश्चात, परावर्तन के पश्चात गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात, अरे किसके पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के
जिस बिंदु से होकर गुजरती है। ओ भैया, जिस बिंदु से होकर गुजरती है इस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है, इसको फोकस बिंदु कहते हैं और कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। इसको क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं और कैपिटल एफ से निरूपित किया जाता है। इसको फोकस बिंदु कहते हैं और उसे कैपिटल एफ से निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को फोकस बिंदु कहा जाता है और इसे कैपिटल एफ से प्रकट किया जाता है। कैपिटल एफ से प्रकट किया जाता है, यहाँ पर ये लिखा है। इसको पूरा नोट कर लो और कॉपी में इसको उतार लो और पूरी विज्ञान पढ़ेंगे 10वीं क्लास की, बिल्कुल 100 में से 100 नंबर लेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि गोली दर्पण की फोकस दूरी किसे कहा जाता है, गोली दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है और गोली दर्पण की फोकस दूरी किसे कहा जाता है। तो गोली दर्पण, ये हो गया हमारा गोली दर्पण। यहाँ पर हमने इसके बाहरी साइड यहाँ पर हमने पॉलिश कर दिए, क्या कर दिया हमने? बाहरी साइड यहाँ पर पॉलिश कर दिए, कर दी यहाँ पर हमने पॉलिश। तो गोली दर्पण, और ये हो गया गोली दर्पण का, यह हो गया हमारा ध्रुव प्री, और ये हो गया इसका वक्रता केंद्र सी, जो कि इसकी वक्रता त्रिज्या, और हो गया मुख्य फोकस एफ। तो गोली दर्पण के ध्रुव, गोली दर्पण का ध्रुव पी, गोली दर्पण का ध्रुव पी, यहां पर समझिए, गोली दर्पण का ध्रुव पी, गोली दर्पण के ध्रुव पी तथा मुख्य फोकस के और मुख्य फोकस एफ के बीच की दूरी को, इन दोनों के बीच की दूरी को चित्र को देख करके याद करना है, चित्र देख करके याद करना है। गोली दर्पण के ध्रुव पी और मुख्य फोकस एफ दोनों के बीच की दूरी को, गोली दर्पण के ध्रुव पी और मुख्य फोकस एफ के बीच की दूरी को, गोली दर्पण के ध्रुव पी और मुख्य फोकस एफ के बीच की दूरी को, इन दोनों के बीच की दूरी को, के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है और इसे एफ से निरूपित किया जाता है, और इसे काय से निरूपित किया जाता है? स्मॉल एफ से निरूपित किया जाता है। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से निरूपित किया जाता है। इतना सब बस याद करना है, सुन करके याद हो जाएगा, मेरे साथ बोलो। गोली दर्पण के ध्रुव पी, गोली दर्पण के ध्रुव, हाँ बहुत सही बोल रहे हो, गोली दर्पण के ध्रुव पी और फोकस और मुख्य फोकस एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बबुआ? फोकस दूरी कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। अब अगली परिभाषा यहां पर हमारी है, द्वारक किसे कहते हैं, गोली दर्पण का द्वारक किसे कहा जाता है। तो गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोली दर्पण का ये हो गया परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा रेखा की, वृत्ताकार सीमा रेखा मतलब इसकी इस तरह, यहाँ का लास्ट पॉइंट सीमा ये हो गई और यहाँ का लास्ट पॉइंट सीमा यहाँ पर ये हो गई, कि सीमा रेखा का व्यास, यहाँ का जो व्यास होता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। गोली दर्पण की, गोली दर्पण का वृत्ताकार, वृत्ताकार परावर्तक पृष्ठ, गोली दर्पण का वृत्ताकार परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा, इसकी लास्ट सीमा जो हो गई, सीमा रेखा का व्यास, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, सीमा रेखा का व्यास का मतलब होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी। सीमा रेखा का जो व्यास होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है, इस दूरी को दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? ये दूरी दर्पण का द्वारक कहलाती है। क्या कहलाती? दर्पण की द्वारक कहलाती है। और आपको सवाल, ये हमारी पूरी परिभाषा यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पर एक नोट करके आपको लिखना है। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता केंद्र सी से लेकर के ध्रुव पी तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, और मुख्य फोकस इसको बोलेंगे, मुख्य फोकस एफ से लेकर के यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है, मतलब कि एक फोकस दूरी और एक फोकस दूरी, ऐसी कि दो फोकस दूरी लगेगी तब जाकर के एक वक्रता त्रिज्या बनती है, है ना? वक्रता त्रिज्या जो आर होती है, वक्रता त्रिज्या जो आर होती है फोकस दूरी एफ की डबल होती है, मतलब दोगुनी होती है, है ना? तो यहाँ पर R बराबर हो जाएगा 2F, मतलब कि वक्रता, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या R फोकस दूरी F से दोगुनी होती है, मतलब F की डबल होती है, R बराबर 2F यहाँ पर आपका आ जाएगा।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने गोली दर्पण के बारे में पूरा समझ चुके हैं। अगर आप लोग अभी लास्ट तक वीडियो देख रहे हो ना, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग के अंदर पढ़ाई करने का जुनून है। और आप लोग इसी प्रकार अगर, क्योंकि देखो होता क्या कि इंसान वीडियो क्लिक करते हैं, 2-3 सेकंड देखते और कट कर देते, वो मूर्ख लोग होते हैं, ऐसे लोग नकल चोर लोग होते हैं। लेकिन अगर आप लोग ने अगर अभी लास्ट तक वीडियो देखे, इसका मतलब ये कि आपके अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून है, आप लोग के अंदर कुछ कर दिखाने की शक्ति है। अपने जुनून को बरकरार रखो और ढंग से पढ़ाई करो, आपका नाम पेपर में छपेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।